नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पहाड़ी सफारी में। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम लोग फिर जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, और अब जैसे जैसे होम स्टे शुरू हो रहा है वैसे वैसे सामान की और ज़्यादा जरूरत पड़ती जा रही है, और काफ़ी काम रुके भी हैं। अभी फिटिंग्स आनी है, वॉशरूम की फिटिंग्स है, कुछ कारपेंटर का सामान है, कुछ किचन के सामान है, बहुत सारे। और निकू कुछ कहना चाह रही है कॉटेज के लिए सामान। तो चलिए दोस्तों, आज का सफ़र हमारा रहेगा, देखते हैं कहाँ तक हम लोग आपको दिखाते हैं। वैसे तो हल्द्वानी ही जाना है, हिमालय वगैरह, और आज हिमालय दिखाएंगे आपको। आजकल हिमालय बहुत अच्छा दिखने लगा है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपको रास्ते में। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह मैं दिखाता हूँ आपको मुक्तेश्वर वैली। और निक्की, और निक्की बहुत खुश हो रही है आज, निक्की खाएगी पनीर टिक्का। पनीर टिक्का, और सुबह सुबह का मौसम अभी बज रहे हैं 7, बहुत ही सुंदर दृश्य, पंछियों की आवाज़, शांत एकदम मुक्तेश्वर की सुबह। टेम्परेचर है लगभग अभी 17 डिग्री, बहुत ठंडा शुरू हो गया है। तो चलिए फिर रास्ते में मिलते हैं आप लोग। और आज फिर हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र पे, आपको भी दिखाते हैं। हमेशा जब भी हम चलते हैं अपनी एक्टिविटीज़, आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कुछ बोलेंगे चारों की मम्मी। तो आज भी हम निकल रहे थे सुबह, लेकिन थोड़ा लेट हो गए कोहरे की वजह से, और अब हम सतभुंगा पहुँच गए ना, सतभुंगा के पास पहुँच गए। तो आज हम लोग जा रहे हैं काफ़ी काम निपटाने के लिए, और देखते हैं आज क्या क्या काम निपटते हैं। काफ़ी ख़रीदारी करनी है होम स्टे के लिए, और हमारा होम स्टे का काम भी लास्ट स्टेज में चल रहा है। ऊपर के 4 रूम भी तैयार होने वाले हैं, और उनके लिए काफ़ी सारा सामान लेंगे आज हम हल्द्वानी से। तो हमेशा की तरह आपको दिखाते हैं यहाँ से हिमालय कैसा दिखता है। इस टाइम जो है हिमालय काफ़ी हल्का दिख रहा है, क्योंकि कोहरा जो है इस टाइम ज़्यादा सुबह था, और अब थोड़ा छट गया, इसलिए अब आगे जाके गागर के सामने मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा दिखाई देगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं बहुत ही शानदार व्यू। और अभी हम लोग आ गए हैं जैन मंदिर के पास, सामने आप जैन मंदिर है, यहाँ रिजॉर्ट भी है इनका, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल हिमालय के दर्शन होते हैं। आज हालांकि थोड़ा कोहरा है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है थोड़ा कोहरा लगा है। बहुत ही सुंदर हिमालय, यहाँ त्रिशूल, पंचाचूली, नंदा देवी, सभी चोटियाँ यहाँ से दिखती हैं। और अभी हम लोग सतभुंगा से निकल रहे थे, सामने 2 सियार दिखाई दिए, बहुत ही सुंदर खूबसूरत वाइल्ड लाइफ के आज दर्शन हुए, और काफ़ी देर तक ये खड़े रहे।
और अब हम खड़े हैं रानीबाग के पास, तो भूख लगाई थी। इन भैया का बहुत अच्छा सेटअप है, राजमा चावल, मीट चावल। आजकल मीट चावल तो बंद है, राजमा चावल ही खा रहे हैं। तो हम लोग, ओ निकू हेलो, बोल बच्चा भूख लगाई, बोले बच्चा दो भाई दो भाई, बताओ भाई टेस्ट करके कैसा है। और आज फिर हम लोग आ गए हैं गैस गोदाम रोड पे, श्री श्याम स्टील करके शॉप है। हमारा सारा सामान यहीं से जा रहा है, जो जगुआर की फिटिंग्स हैं, सीटें हैं, और ये बैठी हैं निक्कू चारू की मम्मी। थक जाते हैं हल्द्वानी जब भी आते हैं, थकान भरा लग रहा है इनका। और हम लोग सारे मिक्सचर हैं, भैया निकाल रहे हैं सामान। क्या क्या निकाल रहे हैं? पूरा सामान निकाल रहे हैं आज। तो हम लोग यहाँ से आते हैं, सामान काफ़ी रिजनेबल रेट लगते हैं, तो सारा सामान हमारा यहीं से जा रहा है। काफ़ी वैरायटीज और किचन का भी काफ़ी आइटम रखते हैं, चिमनी वगैरह भी यहाँ है सब। और अब हम लोग हल्द्वानी से लौट रहे हैं वापस। सामने लग रहा है जैसे बारिश हो रही है एकदम, अभी आपको वो व्यू भी दिखाते हैं। ऐसे अभी बात हुई है, पता लगा वहाँ बारिश हो रही है। मुक्तेश्वर में बहुत बारिश हुई है, हम लोग यहाँ हल्द्वानी में आए हुए हैं, और यहाँ भी इस टाइम जो है मौसम बन गया बारिश का। तो अब लंच करते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट, सामान तो हमें सारा मिल ही गया है। सामने आप देख रहे हैं जो पहाड़ दिख रहे हैं, इससे भीमताल भवाली के एकदम बादल लगे हैं, शायद यहाँ भी बारिश हो जाए। यहाँ तो बहुत गर्मी है, हल्द्वानी तो वाकई में बहुत गर्म है। मुक्तेश्वर तो खैर ठंडा रहता है, बारिश भी वहाँ जाए आधा घंटा 20 मिनट बारिश होती है। पसीने आ गए यहाँ पे आज आके। दोस्तों आइए, होम स्टे की तैयारी चल रही है हमारे, हम उसी का सामान लेने आए थे। काफी सामान हम लोगों ने ले लिया आज, हमें भी काफी अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा बिजी हो गए हम लोग भी लोगों के साथ बातचीत में, अच्छा लगता है।
और अभी हम आ गए हैं जोलीकोट होते हुए। ये पायलट बाबा का आश्रम आप देख रहे हैं सामने। हमेशा ये वैली कोहरे में डूबी रहती है, बहुत ही सुंदर दृश्य हम आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अभी हम लोग थक गए हैं बहुत, अभी बज रहा है लगभग 5, सुबह निकले थे 8 बजे, कुछ कहेंगी चारों की मम्मी? आज सुबह भी जब हम निकले तो कोहरा था, इसलिए हम थोड़ा लेट निकले थे और सामान हमने सारा ले लिया है और अब हमें घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। तो आज हमने काफ़ी ख़रीदारी की, काफ़ी बाथरूम फिटिंग्स का सामान लिया, गाड़ी की बैटरी भी चेंज कराई आज, और कारपेंटर का काफ़ी सामान लिया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कुछ कहेंगे लास्ट में चारों की मम्मी? तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।